ना ना ना, अकड़ नहीं डार्लिंग, इसी अकड़ के चक्कर में तो आज भी हमारे आधे खानदान से बोल चाल बंद है। ना बाबू सोना, ना रोना धोना, सिंगल रहना। करता था ना मेरा बोलना तुम्हें, अब बताओ पसंद आई खामोशी मेरी। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में गांधी होनी चाहिए। स्टेटस का मतलब होता है औकात, तो लगाओ मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी औकात बन गई उस दिन लोग तुम्हारा स्टेटस लगाएंगे। अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हो, मतलब तुम ताकतवर आदमी हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया। क्या बात, अब तो मुझको मेरे हाल में जीने दो, अब तो मैंने तुम पे मरना छोड़ दिया। सबसे सेक्सी मसल कौन सा लगता है आपको? तो वो उनके बैक मसल होने चाहिए। बैक मसल? यस, एवरी टाइम व्हेन दे अगर बादशाहों वाली जिंदगी जीनी है तो मेरे दोस्त गुलामों वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, नसीब बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलेगा। तुम्हारा दिल तुम्हारी महबूबाओं के बगैर नहीं लगता होगा, और हमारा दिल हमारी जिम के बगैर नहीं लगता। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल, कम खा। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए हैं। पर जो बंदा जीवन भर अकेले ही रहा है, और जिस बंदे ने अपने दम पे अपना करियर बनाने की सोची है, तो तुम्हें लगता है किसी का उसकी लाइफ में आने या जाने से उसकी सेहत पर कुछ फर्क पड़ने वाला है? अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब करना है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे